उत्तराखंड की एसटीएफ की टीम ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि साल 2009 से नैनीताल जिले में थाना लालकुआं क्षेत्र में प्रकाश पंत ने जमीनी विवाद के चलते अपने चाचा दुर्गादत्त पंत की गोली मारकर हत्या की थी। इसके बाद से प्रकाश पंत लगातार फरार चल रहा था, जिसको लेकर की पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, एसटीएफ की टीम हमारी लगातार इसमें इनामी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले 11 महीने में हमने 50 इनामी अपराधी अभी तक पकड़ लिए हैं। इसमें हमारा जो विशेष रूप से फोकस है, ऐसे इनामी अपराधी जो कि गंभीर किस्म के अपराधों में लिप्त हों और लंबे समय से फरार हैं, तो ऐसे अपराधियों पर हम लोग विशेष रूप से फोकस करके उन पर काम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी देहरादून एसटीएफ की टीम को हासिल हुई है। इसमें 2009 में जो ये अपराधी था, 1 लाख रुपये का इस पर इनाम था, प्रकाश पंत, इसके द्वारा अपने चाचा की हत्या की गई थी। ये जो घटनाक्रम था, ये लालकुआ नैनीताल थाना क्षेत्र का था और घटना के बाद से लगातार फरार था, पकड़ा नहीं जा सका था और ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रह रहा था अलग अलग स्थानों पर, अपने परिवार से भी संपर्क में नहीं था। तो लगातार इसमें जो जिला पुलिस है और एसटीएफ इसको पकड़ने के प्रयास में लगी हुई थी और इसको 14 साल के बाद में पकड़ा जा सका है और 1 लाख रुपये का इनाम था, तो एक बड़ी सफलता है एसटीएफ।